तो वीडियो शुरू करने से पहले वोकल फॉर लोकल हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक रैपर है टी विल करके, ही इज अ वेरी गुड रैपर। तो 4 महीनों पहले उन्होंने एक एल्बम ड्रॉप किया था राइट करके वॉल्यूम 1, इट्स अ मिक्स टेप। तो उधर में ही हैव 4 songs, ऑल 4 ऑफ देम आर सुपर वेरी लिट सॉन्ग्स। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग एक दफा उनके गाने को जरूर सुनिए। उनका जो चैनल का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग एक दफा जरूर देखना और सपोर्ट करना अपने अरुणाचली भाई को। और जो हाल ही में ही उन्होंने एक और एल्बम ड्रॉप किया है राइट का, जो वॉल्यूम 2 है उन्होंने रिसेंटली ड्रॉप किया है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखना, जरूर सुनना, वेरी गुड सॉन्ग्स। ऑल्सो अगर किसी को उनका गाना यूज करने का मन है, इच्छा है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, देयर इज नो कॉपीराइट ओवर देयर। और भाई तो कॉपीराइट देंगे नहीं, बस आप उनको थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, तो अभी सुबह के बज रहे हैं, नॉट सुबह बट इट्स मिडनाइट, 1:42 हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना आधी रात को क्यों निकल रहा हूँ। एक्चुअली जो पासर जाते समय जो लिखावाली के बाद जो रास्ता आता है वो 9 बजे के सुबह 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो उसे हमें जल्दी क्रॉस करना है, उसके लिए हम जल्दी निकल रहे हैं। ओके, तो मैं पहले व्लॉग नहीं किया क्योंकि इट वाज टू डार्क, कुछ दिखाई भी देना नहीं था। सो नाउ वी आर ऑन द, हम अभी लिखावाली क्रॉस कर दिए हैं, तो अभी वी आर ऑन द वे टू पासर। तो योमले स्टिल ड्राइविंग, बहुत एनर्जी है भाई में। एंड ये मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली इवेंट पार्टनर, हम लोग बस बिजनेस फ्रेंड्स है, मिस कुनु वरंग। तो अभी आई थिंक वी आर लाइक 1 आवर बिफोर ये बासर। तो योमलू वहाँ सुसु कर रहा था, कुनु वहाँ लैंडस्केप का फोटो ले रहा है, एंड आई एम हियर व्लॉगिंग। तो अभी एक्चुअली जगह जो है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए थे। कौन सो रहे देखो। तो हम अभी यहाँ बासर पहुंच चुके हैं। ये बासर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका जो मेन टाउन है इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे, फिर अपने जिस काम से आए हैं वो खत्म करेंगे, फिर बड़ा बात से वापस चला जाएंगे, पहले कुछ खाना है। आलू का रिमेम्बरेंस के लिए एक चश्मा मेरा, वेर एवर आई गो मैं आई ट्राई कि मैं एक स्पेक्स खरीदू वहाँ से। तो दिस इज वर आई बॉट फ्रॉम बासर, बासर पहले से बासर को आलू आलू बोल रहे हैं। तो ये बासर का रिमेम्बरेंस के लिए ब्लू फ्रेम, टोनी स्टार्क का स्टाइल। तो अभी मैं किसी रेस्टोरेंट पे रुक के कुछ खा रहा था, मीनवाइल आई मेट सम सब्सक्राइबर फ्रॉम पासर, ये सभी मेरे को मिलने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, थैंक यू वेरी मच। और ये सभी लोग मेरे को मिलने आए हैं, तो सभी को थैंक यू वेरी मच। स्कूल से वापस आया है तो सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मैं मेल सब्सक्राइबर को मिला, दीज गाइज आर द फर्स्ट मेल सब्सक्राइबर जो लोग मेरे को बासर में मिलने आए। तो इनका 2 का चैनल है, तो अब आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है गो एंगो ब्लॉग, गो एंगो ना, इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग इनको प्लीज सब्सक्राइब करना। और आपका भी बता दीजिए, इजन ह्यूसन, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब। और ये दोनों को भी बहुत बड़ा थैंक यू, दोनों मेरे को मिलने आए, तो तहे दिल से शुक्रिया सभी का। तो अभी मीनवाइल मेरे को और 2 क्यूट खूबसूरत सब्सक्राइबर मिले हैं, तो आप दोनों का एक बार प्लीज नाम बता दो ना। मेरा नाम हिन्नी रिराम है, हिन्नी रिराम ना, और आपका केंती गादी। ओके, तो यही थे ये दोनों, थैंक यू वेरी मच मिलने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। बासर में आदमी लोग ज्यादा प्यार करते रहते हैं, ईटानगर का लोग प्यार नहीं करते। ठीक है, अभी मैं बासर पे एक और यूट्यूबर को मिला हूँ, आई थिंक बासर में यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं। तो अभी एक और है, इनका आपका चैनल का नाम बता दीजिए। माय नेम इज एमबी बाबूजान, मेरा चैनल का नाम एमबी बाबूजान है, और वहाँ मैं ब्लॉग और रोस्ट वीडियो और थोड़ा कॉमेडी भी उसमें एक्टिविटी वीडियो बनाते रहता हूँ। और मेरा एक्चुअली हफ्ता में डेली वीडियो आती रहती है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक का, आप लोग जाके चेक करिए मेरे चैनल को, एमबी बाबूजान नाम है। आप लोग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगने से तो वो बात अलग है। तो अभी हम एक स्टोर पे आए, तो अभी कुनो है सीन की को ये खरीदो बोल रहा है, तो अभी इसको पहन के देखेगा, चेन को खोलो ना, चेन को, ये तो लड़की का है लेकिन ना एक्चुअली में। वो घुस गया, तो किसी ने भर गया, वो लड़का का है बोलने से, क्या जबरदस्ती है, लड़का लोग का बॉम्बर है ना, लड़की जैसे कलर, तुम पतला है ना, कलर अलग होने से तो हो गया, मसल से ना, लेकिन लड़की का है, ऋतिक रोशन लोग नहीं पहनते थे। जितना जितना लग रहा है
क्या लग रहा है? खिजड़ा जैसा लग रहा है। नीचे क्या नीचे क्या बोलो ना, ये तो जैकेट भी गलत है, आदमी भी गलत है, बंदूक भी गलत है। ओके तो फिर से बासर में दो खूबसूरत सब्सक्राइबर को आई मेट, तो उनका मैं नाम बताना चाहूंगा। आपका नाम बताओ ना। जुप्पी दोयम ना। ओके जुप्पी दोयम है, एक और है, आपको भी नाम बता दीजिए। लकी पाल ना। तो दोनों हमको मिलने के लिए आया, थैंक यू वेरी मच। दोनों बहुत खूबसूरत है, दोनों को देख के हम फिदा हो गए। जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, पर थैंक यू आप दोनों आया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क की है, मतलब ये हमारी कार है, ये हम है और आप हम यहाँ पार्टी करने वाले हैं। नॉट रियली श्योर, हम एक्चुअली स्पॉट देखने को आए थे। स्पॉट तो अच्छा है, बट हमको ऐसा लग रहा है कि सिटी वो तरफ हो गया ना, स्पॉट इज वे टू मच फार। तो यहाँ में अगर जो लोग पैदल आते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी वी आर डिसाइडिंग क्या करना है। अच्छी अलग से मैच, बड़ी धूप है। तो अभी हमारा मीटिंग हुआ है कंप्लीट, मीट मिस्टर पिंकू बासर। तो इनका ये प्रॉपर्टी है, वो आपका जगह का नाम एक बार बता दीजिए ना। जगह का नम आप बता दीजिए, आलोक आदमी लोग जो लोग मतलब इवेंट जहाँ में होगा आप उसको बता दीजिए। लोकेशन है ये मेन टाउन से 1 किलोमीटर होगा। आपका बासर लिटिल रोज स्कूल का ऊपर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मार्टिन बासर का फार्म हाउस, वहाँ में आप लोग आने से आप लोग मिल जाएगा। तो आशी हैज बीन हेल्पिंग अस अ लॉट। तो अभी हम लोग प्रोग्राम इन्हीं के वहाँ पे करेंगे एंड होपिंग की इवेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम बासर और नियर बाई प्लेसेस, आप लोग प्लीज इवेंट में आना, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आशी थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच आपका मदद के लिए। तो अभी यहाँ पे हम आशी को करेंगे बाय और सीधा निकलेंगे ईटानगर। ओके सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी तो हम लिखावाली तक आ चुके हैं, यहाँ से हम सीधा ईटानगर घर से वापस जाएंगे। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड हमारा ये छोटा सा वन डे ट्रिप टू बासर। ऑल्सो बासर के जितने भी लोग थे दे वर रियली नाइस, सब लोग ने मुझे बहुत अच्छे से मीट एंड ग्रीट किया। थैंक्स टू ऑल दोस पीपल जिनको मैं मिला एंड सॉरी टू ऑल दोस पीपल एज वेल जिनको मैं नहीं मिल पाया। 1 तारीख को हमारा शो है विच विल बी ऑन क्या था, प्रीम ओपन का थीम है, अरे नाम जगह का। सो द नेम ऑफ दिस लोकेशन इज ईगो यामिन, वो किसी मार्पिन मिस्टर मार्पिन बासर का प्राइवेट रेसिडेंट है। तो वहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे ईगो यामिन पे, सिटी से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी लोग आएंगे। हम वी हैव द सिंगर लाइक लेंजिंग डोमिंग कारगर गादी एंड अदर आर्टिस्ट एज वेल, डीजे नाइट भी हम रखेंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था मेरे भाई। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए thumbs up. Make sure you subscribe to my channel and as always thanks for watching till the end. As I said earlier, मेरा कजिन भी क्या क्या एक्सप्रेशन बनाता है, शक्ल देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे 100 जन्म से टट्टी को रोक के रखा हुआ है। You guys are amazing. Peace. ओके सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ए प्रोमोशनल वीडियो, बट अरे आज का मौसम तो बहुत खूबसूरत है। एनीवेज जो बरापानी ब्रिज है नाहरलगन पे, नाहरलगन बरापानी ब्रिज के सामने पे देयर इज दिस होटल को ओडियाना, बहुत अच्छा होटल है। एक्चुअली ये मेरा भाई का होटल है, मेरे फ्रेंड का होटल है, तो ही इज टेकिंग ओवर दिस ओडियाना होटल। तो मतलब प्रमोशन तो कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट ए पेड प्रमोशन, ठीक है, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, बट अगर भाई को मेरे वजह से कस्टमर्स मिलेंगे सो मतलब आई विल बी हैप्पी, वही है। तो अभी मैं आपको होटल को थोड़ा दिखाता हूँ। ये होटल EPEATS पे भी रजिस्टर है, इफ़ यू फील लाइक ऑर्डरिंग एनीथिंग फ्रॉम ओडियाना होटल्स किचन देन आप उसको EPEATS के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा, ये एक्चुअली रिसेप्शन है, दैट्स द लाइन कॉरिडोर फॉर रूम्स एंड ही इज मिस्टर तरुण। तरुण इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा दोस्त है। तो अभी चलते चलते तरुण हमें बताएंगे, इस तरफ से चलते हैं, चलते चलते तरुण विल टेल यू अबाउट द होटल एंड एवरीथिंग। तो यहाँ में टोटल कितना रूम है तरुण? एक्चुअली वी हैव टोटल 15 रूम्स है ना। ओके 15 रूम है, मतलब रूम का कमी नहीं है। अगर आपको स्टे करना होगा, आप लॉन्ग जर्नी करके आते हो तो यू कैन स्टे हियर। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट ही है वो। अच्छा रेस्टोरेंट। ओके आपका रेस्टोरेंट का कैपेसिटी कितना है? रेस्टोरेंट 20 कैपेसिटी, 20 लोगों का कैपेसिटी है। तो आप आराम से फैमिली के साथ भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ग्रुप में फ्रेंड्स भी आ सकते हो, नो इशू। तो अभी मैं हम आपको वो दिखाते हैं, कॉरिडोर्स दिखाते हैं ना रूम का। तरुण आप आगे जाओ। ओके ये रूम का कॉरिडोर है
यहाँ पर एक्चुअली हम लोग का 6 रूम है, एक्चुअली 2 कॉरिडोर है, एक ही फ्लोर का हम लोग का होटल है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर 6 रूम है एक कॉरिडोर पे। हाँ। तो यहाँ पर लाइक जो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव रूम होते हैं वो ये 16 कॉरिडोर पे होते हैं। अच्छा। एंड जो दूसरा वाला कॉरिडोर है वहाँ पर डिडक्शन जो हम लोग का डिडक्शन रूम होते हैं, तो डिडक्शन का वो फ्लोर है। आप प्राइसेस बता दीजिए दोनों। प्राइसेस लाइक अभी जो डिलक्स का है वो 2500 प्लस जीएसटी है। अच्छा। एंड इंक्लूडिंग दिस इट विल बी लाइक 2800 रुपीस। 2800। उसमें एसी वी सी सब आएगा। एंड एग्जीक्यूटिव उसमें भी एसी आएगा। ओके। तो एग्जीक्यूटिव का रेंट लाइक 2000 प्लस जीएसटी है। 2000 प्लस जीएसटी। ये दूसरा कॉरिडोर है, सेम ही है बेसिकली। तो ये जो फर्स्ट कॉरिडोर है उसका जो प्राइस है दैट इज 2000 रुपीस। 2500। अभी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो रेस्टोरेंट का सेगमेंट है वो आपको दिखाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आईना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके। तो अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट की तरफ। तरुण विल लीड। ये हमारा रेस्टोरेंट का सेगमेंट है, दे हैव द कैपेसिटी फॉर 20 पीपल। तो यहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। ये विंडो साइड्स आल्सो वेरी नाइस, लाइट्स आर आल्सो वेरी नाइस। या कंट्रास्ट ज़्यादा पकड़ जो भी है, जैसा भी है द रेस्टोरेंट इज़ लाइक बहुत अच्छा है। यहाँ से रेस्टोरेंट से बैठ के आराम से टी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो इवनिंग। गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हो ना। तो यस। एंड लाइक यहाँ पर हम लोग इवेंट भी करते हैं, लाइक बर्थडे पार्टी वगैरह जो नॉर्मल होता है 20-50 पैक्स का। तो बर्थडे पार्टी भी आप यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो फॉर इवेंट्स एंड बुकिंग्स में तरुण का और ये ओडियाना का जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे भी दे दूंगा, अगर आपको आप सेव करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दैट वाज इट। थैंक यू तरुण। थैंक यू। हम आएंगे फिर से कभी दिन। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फूड रिव्यू ना, इस बार तो थोड़ा बिजी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होटल। चलो।